बीजेपी नेता किरण चौधरी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह करती है, कांग्रेस के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, आने वाले समय में एक बड़ी रैली हम करेंगे। मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम सैनी ने हर वर्ग के लिए काम किया है, बीजेपी संविधान को मजबूत करेगी, संविधान को मजबूत बीजेपी सरकार करेगी। श्रुति चौधरी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और बीजेपी में शामिल हुए अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को संबोधित किया। कि ऐसे ऐसे फैसले लिए जो हमारे एससी वर्ग है उसके लिए जो है प्लॉट दिए जा रहे हैं, जिनको प्लॉट नहीं मिलते उनको जो है 1-1 लाख रुपए दिया जा रहा है। अंत्योदय ये जो स्कीम है उसके जरिए चेक बांटे जा रहे हैं गरीबों को। और यहाँ पर जो ये झूठ बोली जाती थी कांग्रेस के अंदर, ये मैं तुम्हारे को आज साफ करना चाहती हूँ मेरे एससी भाइयों। उस समय तो भाई मैं भी सम्मिलित थी तो मैंने के करूं करना पड़ता था। ये जो बात रची गई, ये जो षड्यंत्र रचा गया संविधान संविधान, याद रखियो ये खाली एक षड्यंत्र था। सबसे पहले अपना शपथ ग्रहण करने से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कौन सी किताब को सिर पे चुटकारा, बताओ भाई, संविधान को। और उसके बाद जो शपथ ग्रहण हुई है 545 जो एमएलए जो एमपी हैं साहिबान, किसके संविधान को हाजिर नाजर रखते हो, वो शपथ ग्रहण करी गई करी या नहीं गई, बताओ तो बताओ। ये कैसे कह सकते हैं कि संविधान बदलेंगे? अरे संविधान को अगर कोई मजबूत करेगा तो वो भाजपा सरकार करेगी, हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री करेंगे। कि किस तरह से ये षड्यंत्र करे जाते हैं, किस तरह से गुमराह करा जाता है लोगों को। और तुम्हें मालूम चलेगा आने वाले समय में हर एक तरीके से जो है आने वाले समय में काम कितना बढ़िया होगा। हरियाणा के अंदर है तुम्हारे लिए आने वाले समय में, ये पार्टी के अंदर ऐसी पार्टी है जो काम करने वाले को स्थान देती है और उसको मान सम्मान देती है। षड्यंत्र नहीं होते यहाँ, कटाई पिटाई नीचे नीचे तुमने देख रखी है भाई। यहाँ पर ईमानदारी के साथ जो काम करता है उसको संगठन के अंदर बढ़ाया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो पहले हमने करके दिखाना है। इसी तरीके से मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, आपके बारे में हर कोई, आपने मार्च में संभाली कमान मगर इतने छोटे ही समय में गांव गांव में ये हो गया कि ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सुबह से लेकर रात तक लोगों के लिए लगे हुए हैं, सरल स्वभाव और लोगों के हित के लिए लगे रहना। मैं आपको बताना चाहती हूँ सीएम साहब, हम आप लोगों को मजबूती देने आए हैं और आपके मार्गदर्शन में और माननीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे।